नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फैंटेसी बाजार में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लैंड वुमेन और श्रीलंका वुमेन के बीच होने वाले सेकंड ओडीआई के बारे में, जो कि 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज खेली जा रही है श्रीलंका में। इस वीडियो में हम आपको वेन्यू के स्टेट्स क्या हैं वो बताएंगे, टीम परफॉर्मेंस क्या है वेन्यू पे, उसके बाद बताएंगे बेस्ट प्लेयर कौन से है, पिच कंडीशन के बारे में बताएंगे, ओडीआई स्टेट्स क्या कहते हैं दोनों टीमों के बारे में उस पर चर्चा करेंगे, टीम की रिसेंट फॉर्म क्या है दोनों टीमों की, टीम न्यूज़ क्या कहती है, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 पे बात करेंगे और बेस्ट दो ड्रीम 11 की कम्बिनेशन हो सकती है वो ट्राई करेंगे, ग्रांड लिंक समालिंग हेड टू हेड की। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो जब भी डालो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, वीडियो की स्टार्ट करते हैं वेन्यू से। वेन्यू इस मैच का है महिंद्रा राजपक्षा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जो कि श्रीलंका में है वो खेला जाए उसका, हम जानते हैं उसको सूर्यावेवा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी। ये सेकेंड लार्जेस्ट स्टेडियम है श्रीलंका में, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी है 34,300 पीपल के लगभग। यहाँ पे जो ODI मैचेस खेले गए हैं इस मैदान पे 21 और T20 7 मैचेस खेले गए हैं, और उन मैचेस में जो फर्स्ट बैटिंग किए है टीम वो 8 बार जीती है, जो सेकेंड बैटिंग किए हैं वो 10 बार जीती है। और एवरेज स्कोर की बात करें तो इस मैदान पर दोस्तों वो है 249 और फर्स्ट इनिंग का, और सेकेंड इनिंग का स्कोर है 198, यानी कि फर्स्ट बैटिंग करते हुए आसानी से बैटिंग हो जाती है, सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते हुए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। टीम परफॉर्मेंस की बात करें तो इस ग्राउंड पर दोस्तों, जो कि इसी सीरीज़ का फर्स्ट मैच खेला गया था इस ग्राउंड पर, वो इंग्लैंड ने विन किया था और श्रीलंका वो मैच हार गई थी काफ़ी मार्जिन से 158 के करीब। और बेस्ट प्लेयर्स की बात करें तो इस ग्राउंड पे दोनों टीमों की तरफ से, जो कि लास्ट मैच में ही हमें पता चला है उनकी परफॉर्मेंस के बाद, वो है नताली सर्वाइकर, जिन्होंने 93 स्कोर किया था, एदर नाइट 61 स्कोर किया थे, एमी जोन्स ने 71 स्कोर किए थे, राणा सिंह ने 51 स्कोर किए, इसे तुम्हारे टॉप ऑटो ने 30 का स्कोर किया था। बॉलर्स की बात करें तो इस मैदान पर कैथरीन ब्रंट ने एक पिछले मैच में 3 विकेट लिए हैं 3.4 की इकोनॉमी के साथ, कैट क्रॉस ने 2 विकेट लिए, ओडेसी राणा सिंह ने भी 2 विकेट लिए। पिच कंडीशन की बात करें तो दोस्तों, इस पे जो विकेट है वो पहले गुड बैटिंग ट्रैक है, ज़्यादा स्कोर हो जाते हैं, परंतु सेकेंड इनिंग में बॉलर्स को ज़्यादा मदद मिलती है। यहाँ जो पिच है वो बॉलर्स को ज़्यादा असिस्ट करती है, ना कि स्पिनर्स को, जैसे कि श्रीलंका की पिचेज में मोस्टली होता है कि स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिलती है। वेदर रिपोर्ट ये कह रही है दोस्तों, यहाँ पे कल के मैच के लिए ओवरकास्ट कंडीशन है, और आपको जो मॉर्निंग में मैच होगा ये उसके लिए पॉसिबल शावर्स हैं, स्विमर्स को लिए उसके लिए एडेड एडवांटेज मिलने की उम्मीद है। ODI में दोनों टीमों की तरफ से 15 मैचेस खेले गए हैं, श्रीलंका ने 1 विन किया है, इंग्लैंड ने 13 विन किए हैं। तो श्रीलंका कभी भी श्रीलंका में इंग्लैंड के विरुद्ध कोई भी मैच नहीं जीत पाया है। टीम फॉर्म की बात करें तो दोस्तों, श्रीलंका ने लगातार 3 मैचेज आ रहे हैं, वो 2 मैचेज जीते हैं लास्ट 5 मैचेज में जो उन्होंने खेले हैं, इंग्लैंड ने 2 मैच जीते 3 आ रहे हैं। इंग्लैंड अच्छी फॉर्म में है एज कंपेरिजन टू श्रीलंका, उनकी रैंकिंग भी ये कहती है। इंग्लैंड जो मैचेस जो हारा था वो इंडिया के विरुद्ध हारा था, जो इन्हें उन्होंने इंग्लैंड इंडिया का टूर किया था इसी सीरीज से पहले, और श्रीलंका ने पिछले में आ रहे थे वो, क्योंकि वो 2 मैचेस आ रहे थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। श्रीलंका की तरफ से प्लेइंग 11 पे बात करते हैं तो दोस्तों, उनकी आएंगी ओपनिंग में संजीवनी, उनके साथ आएंगे चुमारी अट्टापट्टू, प्रियदर्शनी, उसके बाद आएंगे शिशिकला श्रीवर्धने, अर्षिता माधवी, उसके बाद आएंगे अश्विनी परेरा, फिर उसके बाद आपको करुणा रत्ने दिखेंगी, निकासी दिखेंगी, उसके बाद राणा सिंघे, प्रोप धानी और रणावीरा।
दोस्तों दोनों स्प्रिंग लेन में आपको जो अच्छे फॉर्म में है वो है अटापटू, तो आपको ऑलमोस्ट फॉर्म में दिखती ही हैं, वो स्कोर कर लेते हैं एवरी सेकंड मैचेस में, और शशिकला भी इनकी अच्छी बैट्समैन और बॉलर हैं, दो ऑलराउंडर हैं। उसके बाद जो पिछले मैच में स्कोर नहीं कर पाई थी वो हैं प्रियदर्शनी, वो पिछले मैच में स्कोर नहीं कर पाई थी, परंतु पिछली सीरीज उनकी साउथ अफ्रीका के विरोध हुई थी उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। और माधवी भी बहुत अच्छी टैलेंटेड है, उन्होंने वार्म अप मैच में भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया था और उम्मीद है कि इस मैच में अच्छा स्कोर करेंगी। बॉलर्स में राणा सिंघे और रणवीरी इनकी टॉप पिक रहती हैं, ये काफ़ी अच्छा करती हैं, और राणा सिंघे ने तो पिछले मैच में भी 2 विकेट लिए हैं और 51 का स्कोर बनाया था। दोस्तों अश्विनी परेरा इनकी मिडिल ऑर्डर में खेल रही हैं, ये ओपनिंग भी करती थी कुछ दिन पहले, ये इनको काफ़ी अटैकिंग बैट्समैन है, इनको ओपनिंग में ट्राई करें क्योंकि लास्ट में जो डेथ ओवर में अच्छा स्कोर कर पाए। बेंच पे एक्सपेक्टेड 11 में चेंजेस की बात हो सकती है, आपको करुणा रत्ने की जगह और प्रियदर्शनी में किसी भी एक की जगह सुगंधा कुमारी और अश्विनी कोशारिया में से भी कोई देखने को मिल सकता है। कैप्टन और वाइस कैप्टन शुमाली की में बात करें तो दोस्तों जो हमारे बेस्ट पिक और टॉप पिक्स हैं उनमें से बात करेंगे, जो हमारे अट्टापट्टू हैं ओडेसी रणा सिंह हैं और निकासी हैं श्रीलंका की तरफ से। ग्रैंड लीग के लिए टॉप पिक्स और डिफरेंशियल पिक हैं प्रियदर्शनी और शशिकला। शशिकला पिछले मैच में कुछ नहीं कर पाई, दोनों ही कुछ नहीं कर पाई थी, परंतु दोनों ही काफ़ी अच्छी बैटिंग भी करती हैं और बॉलिंग भी करती हैं। इंग्लैंड की तरफ से एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 पे बात करते हैं तो दोस्तों टीम न्यूज ये कहती है कि सोफिया लैक्सटन इंग्लैंड की स्क्वाड से मिस हैं क्योंकि उनको इंजरी, सारा टेरर भी अवेलेबल नहीं है। ओपनिंग से बात करें तो इंग्लैंड की तरफ से आपको ओमी जोन्स और टेनी माउंट दिखेंगी, उसके बाद आएंगे वन डाउन पे लॉरेन विनफील्ड, उसके बाद नताली सर्वाइकर, उसके बाद कैप्टन एदर नाइट, डेनियल वॉट, उसके बाद कैथरीन ब्रंट, फरान विल्सन, उसके बाद अनेस रफसोल, लोला मार्स और कैट क्रॉस। उसके बाद दोस्तों आपको जो इनकी टॉप बेंच पे हैं सोफिया डंकले, ये भी काफ़ी अच्छी हैं, जो जॉर्ज एवलिस, लेंसी स्मिथ हैं और फेरा डेविस हैं। कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो शुमाल लीग में बेस्ट पिक हैं और टॉप पिक्स हैं एमेजोन, सुनीता सर्वाइकर, एदर नाइट और कैथरीन ब्रंट, इन्होंने पिछले मैच में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें ग्रैंड लीग में जो डिफरेंशियल पिक्स आए हैं लॉरेन विनफील्ड हैं, कैट क्रॉस हैं। दोस्तों इंग्लैंड तो काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, पिछले उनकी रैंकिंग भी ये है आईसीसी रैंकिंग, जो वनडे में है उनकी 4th पोजीशन पे है और जो श्रीलंका है वो 8th पोजीशन पे है, काफ़ी डिफरेंस है। और उस हमारी डोमेन पिक रहने वाले हैं इस मैच के लिए नताली सर्वाइकर। दोस्तों फैंटेसी बाजार में हम टीम प्रोवाइड करेंगे फैक्टर्स को लेते हुए रिसेंट फॉर्म, पिच कंडीशन, अपोजिशन एक्सेट्रा। और उससे पहले बात करते हैं फैंटेसी साइड्स की, फैंटेसी साइड्स जो आपको टीम एडिट करने का मौका मिलता है टॉस के बाद वो हैं ड्रीम इलेवन, माई टीम इलेवन, हाला प्ले, इन सभी का डिस्क्रिप्शन वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से साइन अप हो सकते हैं अगर आप फैंटेसी साइड्स पे नए हैं। रेफर कोड यूज़ करना ना भूलिएगा दोस्तों अगर आप इसी तरह की वीडियो जाने के लिए और टीम अपडेट्स पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है फैंटेसी बाजार, आपको लिंक दिया गया है, आप फैंटेसी बाजार से भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं ड्रीम इलेवन पे टीम की, यहाँ पे हमने 2 टीम बनाई हैं जिसमें फर्स्ट टीम है वो सेफ पिक की जाएगी ग्रैंड वो शुमालिक के लिए, जिसमें टेना बाउंट और कैथरीन ब्रंट का कैप्टन और वाइस कैप्टन कम्बिनेशन ट्राई किया गया है, दोनों काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं। और इंग्लैंड की तरफ से 7 प्लेयर को पिक किया गया है और श्रीलंका की तरफ से 4 प्लेयर को पिक किया गया है। एनालिसिस करते हैं अमेजोन से दोस्तों, तो अमेजोन से इनकी विकेट कीपिंग है और एज कंपेरिजन टू श्रीलंकन कीपर ये आपको अच्छा पॉइंट्स दे सकती हैं। डेनियल वॉट भी अच्छी फॉर्म में है टेन अमाउंट के साथ, हैदर नाइट और नेतालिया
सर्वाइकर तो बेस्ट रहते हैं, कंसिस्टेंट प्लेयर हैं इंग्लैंड की तरफ से परफॉर्मेंस है। कैथरीन ब्रंट और कैट क्रॉस से भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इन्होंने इंडियन जो सीरीज हुई थी उसमें भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी थी। श्रीलंका की बात करें तो दोस्तों परेरा और माधवी दोनों ही अच्छी बैट्समैन हैं। माधवी तो इन्होंने वार्म अप में अच्छा स्कोर किया था, 50 लगाई थी। उसके बाद हमारे अट्टा पट्टू इनकी कैप्टन हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, अच्छा आपको पॉइंट दे सकती हैं और बॉलिंग भी करती हैं, एक दो विकेट तो ले ही जाती हैं। राणा सिंह ने भी पिछले मैच में 50 लगाई है और एक दो विकेट तो ये हर एक मैच में लेती हैं। तो आपकी ये पिक रहने वाली है दोस्तों, आप टीम के बाद अगर कोई प्लेयर मिस करता है तो आप एडिट कर सकते हैं। ये डेमो टीम दे रहा हूँ दोस्तों, आप अपनी तरफ से एनालिसिस के बाद अपनी तरफ से भी अपनी टीम बना सकते हैं। दूसरी टीम की बात करें तो दोस्तों मैंने ग्रैंड लीग के लिए पिक किया है जिसमें अमेजोन्स और अटापट्टू को ट्राई किया है कैप्टन और वाइस कैप्टन से। मैंने इंग्लैंड की तरफ से टॉप ऑर्डर बेनिफील्ड को ट्राई किया है, ने हैदरनाइट को मिस किया है। इस टीम में एक यही कमी है कि हैदरनाइट को मिस किया, वो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, फिर भी मैंने विनफील्ड को इसलिए ट्राई किया है क्योंकि ग्रैंड लेक में एक डिफरेंशियल पिक हैं और ये वन डाउन करते हुए दिखेंगे आपको। माधवी के साथ मैंने और श्रीवर्धने को ट्राई किया है क्योंकि पिछले मैच में कुछ नहीं कर पाई थी, उम्मीद है कि इस मैच में अच्छी बॉलिंग और बैट से आपको पॉइंट दे सकती हैं। बाकी प्लेयर तो वही हैं बॉलिंग सेक्शन से दोस्तों, दोनों टीमों से आप अच्छी टीम बना पाएंगे ये उम्मीद के साथ मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना ना भूलें और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।